गुड इवनिंग दोस्तों, अभी हम हैं यूरोप के एक देश स्लोवाकिया में, स्लोवाकिया की सिटी ब्रातिस्लावा में, जो कि यहाँ की बड़ी फेमस सिटी है, पॉपुलर है। और ये है ऐसा कुछ यहाँ का सेंटर, अभी हम सेंटर में ही हैं और मैं अभी आपको ले जा रहा हूँ एक कैसल पर, जो कि यहाँ का सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो सबसे पहले वहाँ चलने वाले। बैक साइड पर दिख रहा है वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस कासल है यहाँ का। एंड ये जो दिख पा रही होगी बैक साइड पर आपको रिवर, ये है दानुबा रिवर जो बुदापेस्ट में भी थी, तो वो वही कनेक्टिंग होते हुए यहाँ पर आई हुई है। एंड द ब्रिज, इस पर से आप क्रॉस करके रिवर से जा सकते हो। तो मुझे अभी जाना है कैसल पर, तो कासल के लिए मैं वही ढूंढ रहा हूँ वे कि कौन सा वे विल बी परफेक्ट फॉर दैट। वाओ, लुक एट द आर्किटेक्चर गाइस, वो घर देखो आप लोग, ब्यूटीफुल। एंड दिस इज कैथेड्रल। ओके गाइस, तो अभी हमने ये देखा है सेंट मार्टिन्स कैथेड्रल, अब हम जा रहे हैं जो मेन कासल है वहां पर, और उसके लिए बड़ी ही लंबी चढ़ाई करके जाना पड़ता है। सो इसलिए, क्योंकि हिल टॉप पर है वो, तो इसीलिए चलो चलते हैं। बाकी बहुत खूबसूरत है दोस्तों ब्रातिस्लावा, यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत अमेजिंग है। घर एक्चुअली मिडिवल टाइम्स का पूरा यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखता है मुझे। एक तो टाइम भी है ना, 3 बज रहे हैं दोपहर के, और ऐसा लग रहा है कि पूरी शाम हो चुकी है। और ये एक तो इतनी ऊपर है कि बस चलते चलते अब एक गार्डन टाइप एरिया आ गया है। सो लग तो ऐसा रहा है कि यहाँ से एंट्रेंस है। ओके, सो फाइनली बॉर्डर में तो आ चुकी कासल की, वो रहा कासल। सो लेट्स गो फ्रॉम दिस साइड। सो दिस इज द फ्रंट ऑफ ब्रातिस्लावा कैसल, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है और ऐसा नहीं लग रहा कि पुराने ज़माने का है। एंड यहाँ से ऐसा व्यू आता है, पूरी स्लोवाकिया कंट्री का व्यू आप ले सकते हो, ना कि सिर्फ सिटी जो ये ब्रातिस्लावा है उसका, पूरी स्लोवाकिया का आप जो है सिटी का व्यू ले सकते हो। और यहाँ से यू कैन सी द हंगरी और जो चेक रिपब्लिक का और प्राग है वो भी देख सकते हो, अगर आप उसके टावर पर जाते हो वहाँ से। तो वाह, अमेजिंग। एंड ये जो रिवर दिख पा रही है दानुबा रिवर है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन यूरोप, और यही कनेक्ट करती थी बुदापेस्ट को भी, जैसे मैंने बताया था आपको। एंड देयर आर सम ब्रिजेस एज वेल, एंड यहाँ पर भी नाइट में बोट पार्टी आप कर सकते हो, बोटिंग कर सकते हो। वाओ, सो लेट्स सी कि अंदर जाने का क्या है। ऐसा कुछ व्यू आता है, और फिर इसके बाद अगर आपको म्यूज़ियम में जाना है तो ये म्यूज़ियम की एंट्री होती है, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो। सो जस्ट अभी मैं अंदर से ही आ रहा हूँ, तो अगर आपको एंट्री लेना है अंदर, म्यूज़ियम है, तो उसके लिए आपको 10 यूरोस पे करने होंगे। और एक टावर है वहाँ पर ऊपर, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो व्यू नज़ारा। तो मैं तो अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे म्यूज़ियम्स इतने देख लिए मैंने यूरोप में, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं रहता म्यूज़ियम्स वगैरह में। सो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। सो नाउ वी आर आउट ऑफ द कैसल एंड लुक एट दैट क्यूट लिटिल बस, क्या चीज़ है पता नहीं, चलो देखते हैं नीचे चल के कि क्या है सीन। यहाँ पर एक सोविनियर की शॉप है, सोच रहा हूँ परचेस कर लूँ, 1 यूरो का है, 60 सेंट्स का ही है यार, ये तो खरीद सकते हैं। अच्छा है, करते हैं। यहाँ से हम जा रहे हैं अभी ओल्ड टाउन में। सो गाइस, मैंने एक सोविनियर परचेज़ कर लिया है, और ये अभी जगह देखो कैसी है, मिडिवल टाइम्स की बहुत पुरानी जगह लग रही है मुझे खुद को भी। इस साइड पर जाएंगे तो हम कासल वगैरह पे पहुँच जाएंगे, और सेंट मार्टिन्स कैथेड्रल भी इधर ही है, मतलब ये सारी चीज़ें इधर है। और अभी मैं आपको ना मेन स्क्वायर पर ले चल रहा हूँ, जो मेन सिटी सेंटर है, ओल्ड टाउन जिसे कहा जाता है, वहाँ चलते हैं अभी हम। Thank you.
तो इस ओल्ड टाउन हॉल के अंदर एंट्री करते से आपको पहले तो ये एक अच्छा इसमें ना वाइन बनती हुई है गेस कि ये बॉम्ब है, मतलब बॉम्ब बनाते इससे पता नहीं। सो देयर इज अ चेस ओवर देयर, चेस खेल सकते हैं एक्चुअली में यार। वाओ सीम्स इंटरेस्टिंग, बच्चा चेस खेल रहा है वैसे भी। यू कैन प्ले अराउंड द चेस। वाओ यार, ऐसा कुछ है, मैं अंदर आया हूँ तो। सो ओल्ड टाउन से बाहर निकलते ही विल सी दिस इज प्राइमेट्स पैलेस। जैसे ही आप टाउन हॉल से बाहर आते हो, ये वाला टाउन हॉल से, तो आपको प्राइमेट्स पैलेस मिलता है जो कि 18th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था। और यहीं पर जो है पीस ऑफ प्रेसबर्ग साइन हुई थी जब नापोलियन जीत गया था विक्ट्री में बिटवीन फ्रेंच गवर्नमेंट एंड ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट। सो बहुत ही अच्छी प्लेस है ये भी एक, यहाँ पर भी आप आ सकते हो और बाय वॉक ही बहुत सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हो यहाँ पर। एंड देयर इज यूनिवर्सिटी एज वेल इसके बैक साइड पर। नाउ इस पैलेस के अंदर दोस्तों गैलरी हैं, सो कुछ ऐसी है पैलेस के अंदर, तो आई थिंक कुछ चार्ज होगा, एंट्री फीस वगैरह होगी, पता नहीं, अभी तो फ्री है दिख रहा है। ऑल राइट, सो गाइज नाउ वी हैव अराइव्ड टू द ब्लू चर्च ऑफ ब्रातिस्लावा। यहाँ पर काफ़ी सारी वेडिंग्स होती है और 20th सेंचुरी में ये बनाया गया था। सो काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और ये मेरा पहला ऐसा चर्च है जो ब्लू कलर में मैं देख रहा हूँ, एंड इट सीम्स अमेजिंग अमेजिंग। वाओ, यहाँ पर नाग देवता बने हुए, क्या बात है। टिकट नहीं, हाँ ओके। सो आई गेस अभी चर्च ओपन तो है, चलो एक बार अंदर से चल के देखते भी हैं। गाइस अभी हुआ क्या, एक्चुअली मैं अंदर चले गया था, मैंने सोचा देखूंगा अंदर से क्या हो रहा है, चले तो गया और उसके जैसे ही अंदर गया उसके 2 मिनट बाद प्रेयर चालू हो गई। अब सब प्रेयर में है, मैं कैसे उठ के आऊँ बीच में, मेरे लिए खुद के लिए इतना हार्ड हो गया था वो भी तो आके। बट अंदर से भी ऐसे ही शूट वूट नहीं किया मैंने, अंदर भी ब्लू है वो पूरा का पूरा, तो ब्लू शेड में बना हुआ है और बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली अंदर। ये कार्स वगैरह दिख पा रही होगी ना बैक साइड पर, ये वहीं की आई भी कार्स है। मैं कह सकता हूँ कि आप 4-3 घंटे में तो आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो स्लोवाकिया के बेस्ट प्लेसेस को। अभी ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट बैक साइड पर दिख रहा है, यहाँ पर आया था, यहाँ पर मैंने ली नूडल्स, मेरे को बहुत मन था यार नूडल्स खाने का, तो ये भी एक हो गया है। नूडल्स आई है 500 रुपीज़ की एक प्लेट, हाँ उससे मतलब आपका पेट भर सकता है, तो ये चीज़ यहाँ पर अंदर है बहुत रेस्टोरेंट अंदर की साइड में। तो दैट इज़ डन, नाउ लेट्स गो टू अ शॉपिंग मॉल और वहाँ पर देखते हैं शॉपिंग मॉल में क्या क्या चीज़ें हैं। लुकिंग टू शॉप इन ब्रातिस्लावा देन दिस इज़ द प्लेस, ये है यूरोविया और बड़े ही कूल है, यहाँ पर बहुत सारी ब्रांड्स मिल जाएगी। अभी चल के हम लोग थोड़ी सी ब्रांड एक्सप्लोर करते हैं। जब भी मैं HRM में आया हुआ हूँ और मैं तो ताजुब हूँ कि यार प्राइस देख कर, देखो ये अगर नॉर्मल टाइम में ख़रीदते ना आप, अब विंटर जा रहा है तो 12 यूरो का ही है, नहीं तो नॉर्मल टाइम में कितने का था, 35 यूरो का। अब सब ये लोग सेल करेंगे सेल पर, फिर भी कितना है, जैसे शर्ट देखते शर्ट का प्राइस कितना है, शर्ट है 13 यूरो का, ऐसे ओरिजिनली था 20 यूरो का, थोड़ा बहुत सेल है कहीं कहीं पर 20-20%। एक दूसरे शॉप पर आया ना, यहाँ पर बहुत सही प्राइजेज है, जैसे 14 यूरो में, 9 यूरो में जिपर्स मिल जाएंगे, 20 यूरोज़ में जीन्सेस, वो भी काफ़ी अच्छी जीन्सेस है। एक्चुअली में न्यूयॉर्कर नाम है इस शोरूम का, जैसे ये भी 9-10 यूरोज़ में अच्छी जीन्स अच्छी क्वालिटी है, जैसे जैकेट्स वगैरह भी सब 19-19 यूरोज़ में। ऑल राइट, सो गाइज आर जर्नी टू स्लोवाकिया एंड्स अप हियर और अब मैं जा रहा हूँ वियना की ओर। सो आपको नेक्स्ट व्लॉग जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है वियना ऑस्ट्रिया का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल दी एंड, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।